नहीं, कलाम से कुछ चिंताएं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त मैं लिंदा को गीत गाने के लिए इस हिंदी प्रलय में वेलकम करता हूँ। मैं यीशु के साथ में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा, पीछे चलूंगा फत पाऊंगा, यीशु मेरा मंजी मसलो, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, घर अंधेरी राह में डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मन जी मसलो, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, घर अंधेरी राह में न डरूंगा, पैर उठाऊंगा दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मंजी मसलो, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मन जी मसलो, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मन जी मसलो, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, ताकती ताकती रोज मदद पाऊंगा, रंज या खुशी हो या नजदीक हो मौत, यीशु मेरा मन जी मसलो, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मन जी मसलो, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, अपनी आंख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में है सलीब झंडा है अजीब, यीशु मेरा मन जी मसलो, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, नूर में रहूंगा फत पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा, पीछे चलूंगा फत पाऊंगा, यीशु मेरा मन जी मसलो, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगा, पीछे चलूंगा फत पाऊंगा,
यीशु मेरा मर्जी मसलो, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, नूर में रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा, नूर में रहूंगा फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता रहूंगा। थैंक यू। ईश्वरा की के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम प्रभु जनों का लिविंग होप, परमेश्वर में हमारी जो आशा है वो हम गीत के द्वारा सुन रहे थे। हम उस स्वर्ग में, नूर में प्रभु के पीछे पीछे चलूंगा, उसका हाथ पकड़ कर चलूंगा। इस दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है, सब चीज नाशवान है, नाश हो जाने के लिए है। अब्राहम को प्रभु ने बाहर लाकर आकाश की तरफ नजर देखने के लिए, नजर उठाने के लिए बोला, उसे बोला कि नक्षत्र को देखो, जलता हुआ नक्षत्र, गिन सकता हूं उनसे गिन लो, अगर तुम गिन भी नहीं सकेगा, अगर तुमसे गिनती नहीं हुआ तो भी मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसे आशीषवंत करूंगा। जरा आपके पास बाइबल है तो उठा के कलाम पढ़िएगा, मैं उठा के नहीं रखा है, अभी अभी दिल में आया, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 5, जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उनसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। जो ऊपर की बातें सोचता है, प्रभु की तरफ देखता है, प्रभु उन्हें कभी अंधकार नहीं दिखाता है, उनको अनगिनत जलता हुआ तेज वाला, तेजस वाला तारे दिखाता है और उन्हें ये होप देता है कि तुमको, तुम्हारे बच्चों को मैं इसी तरह आशीषवंत करूंगा। आज रात इस प्रेयर लाइन में, स्वर्गीय प्रभु के सन्निधान में, स्वर्ग की तरफ नजर उठाकर प्रभु में लिविंग होप, जीने वाला होप, आशा रखने वाला, प्रियजनों को मैं इस कलाम के आधार पर आपको बताना चाहता है, आप और आपकी पीढ़ी जरूर आशीष पाएंगे। चलेगा लिविंग होप पे ही हमारा चिंता रख के, नूर में यीशु मसीह का पीछे पीछे मैं चलूंगा, उसके हाथ पकड़कर चलूंगा। वो गीत सुनने में ही हमारे दिल में कितना शांति और खुशी आया। फर्स्ट पीटर निकाल उठाइएगा, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 2, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिटका छिड़कने जाने के लिए छूना गया है। अगर उठाया तो थोड़ा पढ़ लीजिए। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लोगों के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तीसरा वाक्य भी पढ़िएगा। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो दो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। जीवित आशा के लिए नया जन्म दे। पांचवा वाक्य भी पढ़िएगा, शुरुआत। जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्व जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। रक्षा परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, प्रॉमिस यीशु मसीह में
हमेशा का जीवन, लिविंग होप। दूसरा वाक्य, इलेक्ट, हमें प्रभु ने इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर की समर्थ के द्वारा, परमेश्वर की शक्ति के द्वारा हमें रक्षा दिया जाए अथवा सुरक्षित रखा जाए। और ये सुरक्षा हमें इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि हमें यीशु मसीह में लिविंग होप, नहीं मरने वाला नित्य जीवन की होप दिया गया है, वो हमारा अवकाश है। इसके लिए दूसरा वाक्य बोलता है कि प्रभु ने हमें चुना है। मुझे सुनने वाले भाई बहन, आप तक ये कलाम की आवाज, ये प्रार्थना की आवाज, ये गीत की आवाज इसलिए पहुंच रहा है कि आप प्रभु यीशु मसीह के समर्थ के द्वारा सुरक्षित रखा जाए। आपको प्रभु यीशु मसीह के समर्थ की सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले, ताकि आप अपनी जिंदगी में नहीं मरने वाला, नहीं नाश होने वाला, कोई नहीं आपसे चिन्हने वाला, एक लिविंग होप का अवकाशी हकदार बन पाए। इसके लिए आपको प्रभु ने इलेक्ट किया है, छूना है। इस कलाम आप तक इसलिए पहुंच रहा है कि प्रभु आपको बताना चाहता है कि आपको प्रभु ने छूना है, आपको प्रभु ने इलेक्ट किया है। मेरी आवाज सुन रहा है? जी सुन रहे हैं। आपकी ऊपर प्रभु की बुलाहट पहुंचा है, आपको प्रभु ने छूना है। केवल ताली मारकर गीत गाने के लिए ही नहीं, एक लिविंग होप आपकी जिंदगी में अवकाश के रूप में, हक के रूप में देने के लिए। और वो हक, वो अवकाश आपको देने के लिए आपके ऊपर प्रभु की सुरक्षा बना हुआ है, और वो सुरक्षा प्रभु की शक्ति के समर्थ के द्वारा होती है। आप इस चुनाव को, इस इलेक्ट, प्रभु के चुनाव को कभी भी रिजेक्ट ना कीजिएगा। और यहां पर चुनाव के लिए तीन चीज दूसरे वाक्य पर बोल रहा है, मैं बहुत सिंपल करके बताना चाहता है। मैंने तीसरा पांचवा वाक्य से आपको ये याद दिलाया कि आपको एक लिविंग होप का अवकाश के लिए पुकार रहा है। उस अवकाश आपको कैसा मिलेंगे? आप प्रभु के समर्थ के द्वारा सुरक्षित रहेंगे ताकि आप उस लिविंग होप को पा पाए। उसके लिए फर्स्ट स्टेप पे इलेक्शन, प्रभु ने आपको चुना है। वो किस तरह चुना है? तीन चीजें वहां बताती है। फिर से दूसरा वाक्य पढ़िएगा। और परमेश्वर पढ़िएगा फिर। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तीन चीज चुनाव के पीछे है। पहला बोलता है भविष्य ज्ञान, फोर नॉलेज, पिता परमेश्वर का भविष्य ज्ञान। आपका चुनाव पिता परमेश्वर का फोर नॉलेज, भविष्य ज्ञान के द्वारा हुआ है। आप किसी भी चर्च में हो, किसी भी कंपनी पर काम करता हो, आप किसी भी परिवार के भाग हो, आपको प्रभु ने छूनकर उन जगहों में रखा है। आप आज रात अपना इंपोर्टेंस को समझेगा। आपको प्रभु की आत्मा ये बताना चाहता है कि आप प्रभु के फोर नॉलेज, भविष्य ज्ञान में चुना हुआ व्यक्ति है। आप
वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। जरूर आप मनुष्य के संगति में है, मनुष्य के बीच में है, लेकिन आपके ऊपर एक चुनाव है, आप इलेक्ट व्यक्ति है, आप वेरी स्पेशल है। इसलिए जहां पे भी आप है, जिस परिवार के भी भाग हो, जिस चर्च के भी भाग हो, जिस कंपनी पर भी हो, वहां पे मनुष्य लोगों के बीच में होने के नाते आपके आपकी जिंदगी में तकलीफें, रिजेक्शन, दुख, कष्ट जरूर पहुंच सकता है, क्योंकि इंसान के बीच में आप, लेकिन आपका दिल मत छोटा कीजिएगा, क्योंकि इंसान ने आपको चुनकर वहां नहीं रखा है। प्रभु के फोरनॉलेज, प्रभु के भविष्य ज्ञान के चुनाव आपके ऊपर है, प्रभु ने चुनकर आपको वहां रखा है, और आपके द्वारा उस हालात में प्रभु फर्क लाना चाहता है। जिस तरह हमने अमेरिका के लिए प्रार्थना किया, क्लेम कर प्रार्थना की, प्रभु की आत्मा ने मुझसे बोला कि विश्वास के साथ बोलो, हम और आप गिनती में नहीं होंगे, लोगों को लोग हमें नहीं जानते होंगे, हम फेमस लोग नहीं होंगे, लेकिन छोटे हम और आप प्रार्थना करेंगे तो इस दुनिया में प्रभु फर्क लाएंगे, क्योंकि हम और आप प्रभु के फोर नॉलेज में है, प्रभु के भविष्य ज्ञान में चुना गया व्यक्ति लोग है। हालेलुया। कुछ समय पहले मुझे एक टेक्स्ट मैसेज आया, चर्च से नहीं, मेरे जॉब सर्किल में मुझसे मिलने वाले व्यक्ति प्रार्थना के लिए बोलते हैं, उनके एक परिवार के अंग इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गया, ब्लड ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है। बोला मैंने टेक्स्ट किया कि नहीं, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो हील हो चुका है, तुम लोग आज रात को ही घर वापस जाएंगे। करीब एक घंटा बाद मुझे टेस्ट मिला कि इससे मिरेकल, प्रभु ने उन्हें घर वापस भेज दिया है, उनके सारे टेस्ट नॉर्मल है, उनको ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, डिहाइड्रेशन है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। देखिएगा, आपको प्रभु ने उस जगह इसलिए रखा है कि आप हालातों में फर्क लाए, बीमारों के हाथ पकड़कर उन्हें चलने बोले, परेशानियों से आपके सामने खड़े वाले व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के और परेशानी को डांटे और बोले कि दूर चले जाओ। यू आर स्पेशल, आप प्रभु के फोर नॉलेज में चुना हुआ व्यक्ति है। आप हालात, इंसान के द्वारा जो हालात माहौल क्रिएट हो रहा है उससे परेशान मत होइएगा। इंसान ने आपको वहां नहीं चुन कर रखा है, प्रभु ने आपको चुन कर रखा है, और आपको प्रभु ने एक विशेष पर्पस के लिए चुन कर रखा है, और आपके द्वारा प्रभु अपना वो पर्पस, वो उद्देश्य, वो विल जरूर पूरा करेगा। केवल इतना ही समझना जरूरी है, आप प्रभु के फोर नॉलेज में चुना हुआ व्यक्ति है। आज रात आप तक ये आवाज इसलिए पहुंच रहा है ताकि आप प्रभु की चुनाव इलेक्ट को स्वीकार करे और प्रभु का बच्चा बन जाए, ताकि आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके माता पिता को प्रभु आपके द्वारा विशेष आशीषों से भर पाए। क्यों नहीं आज तक जिंदगी में फर्क आया? आज तक ये अंधकार क्यों नहीं आता? आज तक ये विषयों को उत्तर क्यों नहीं मिला? आप प्रभु में आना जरूरी है, आप प्रभु के फोर नॉलेज में चुना हुआ व्यक्ति है। आज रात किससे पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज आप जहां कहीं भी घुटना टेके बोलिएगा, परमेश्वर मैं आपके फोर नॉलेज में, मैं आपके भविष्य ज्ञान में है, मैं अपने आप को समर्पित करता है, और मेरे समर्पण में आपके चुनाव को मैं स्वीकार करता हुआ मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा परिवारों में, देशों में, विलेज में आप अपने हित को पूरा करें। हालेलुया। आपके चुनाव लिविंग होप के लिए, आप चुनाव हुआ व्यक्ति, इसलिए आपके चारों तरफ प्रभु की समर्थ की प्रोटेक्शन है। चुनाव का दूसरा वजह वहां बोलती है, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, सैंटिफिकेशन ऑफ होली स्पिरिट, सैंटिफिकेशन ऑफ होली स्पिरिट। आप अपने समर्थ से सैंटिफाई नहीं होता है, प्रभु की आत्मा आपको सैंटिफाई करता है, आपको पवित्र ठहराता है। आज रात
शैतान आपके खमी गतियों को उठाकर आपके ऊपर हल बन जाता है, तो सक्सेस होगा। पवित्र आत्मा आपके बाजू में खड़ा होंगे और प्रभु के लिए आपको क्लेरेंगे, आपको सैंटिफाई करेंगे, आपको अनॉइंट करेंगे, आपके हाथ में प्रभु की वो अधिकार अथॉरिटी देंगे कि आप अंधकार शक्तियों पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहोवा निसी का झंडा फहरा पाए। आपके चुनाव के पीछे अगर पिता का फोन नॉलेज है, भविष्य ज्ञान है, तो आपके हर दिन के रूटीन जिंदगी में प्रभु के अनॉइंटिंग के लिए, आपको उपयुक्त करने के लिए, आपको सैंटिफाई करके पवित्र आत्मा आपकी साथ खड़ी है। आपके चुनाव के पीछे दूसरा चीज सैंटिफिकेशन ऑफ होली स्पिरिट, ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसमें डिटेल नहीं जाना मांगता, लेकिन आज मैं तीसरा विषय को ज्यादा हाईलाइट करेंगे और क्लोज करेंगे जल्दी से। तीसरा विषय वहां पर बोलता है स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड, मसीह के लहू के छिड़का। थोड़ा सा दृष्टि डालेंगे, थोड़ा सा श्रद्धा डालेंगे, क्या है स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड? देखिएगा कितना कितना खूबसूरत चीज है, कितना वैल्यूबल चीज है कि मैं जब अपने आप को सोचता है कि मैं इलेक्ट हूं, इलेक्ट ट्रम्प बोला करता था, आजकल वो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोला करता है, इलेक्ट प्रेसिडेंट बोला करता था, तो उसमें मैं आगे नहीं जाता, लेकिन जब मैं सोचता कि मैं इलेक्ट हूं, मैं चुना हुआ हूं प्रभु के द्वारा, तो मेरे दिल में ये चिंता मुझे बहुत शक्ति देती है, मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड है। Amen. Yes. याद रखिएगा फॉर नॉलेज पिता की तरफ से, पवित्र आत्मा के द्वारा आप सैंटिफाई किया जाता है। तीसरा चीज, मैं इलेक्ट हूँ, मैं चुना हुआ व्यक्ति हूँ, इसका एक बहुत बड़ा अथॉरिटी इस बात में है कि मेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह का स्प्रिंकलिंग ब्लड छिटकाया हुआ है, आमीन, लहू छिटका हुआ है। मैं ओल्ड टेस्टमेंट से लहू छिटका स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड के कुछ इंसिडेंट बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट लेविटिक्स चैप्टर 14 वर्स 7, वहां पे कुष्ठ रोगी जब शुद्धि पाते हैं तो वो शुद्धिकरण का कंफर्मेशन ब्लड स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड के द्वारा करते हैं। जल्दी से पढ़िएगा लेविटिक्स 14:7। और कोढ़ ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए, तब उस जीवित पक्षी को मैदान में छोड़ दे। उसको उसके ऊपर ब्लड स्प्रिंकलिंग कर उन्हें शुद्ध ठहराया जाता है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, आपको प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए चुना है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध ठहराया जाए। आपके करीब कोई अंधकार शक्ति नहीं पहुंच पाएगा, आपके ऊपर कोई अंधकार शक्ति कोई किसी भी तरह के क्लेम नहीं बोल पाएंगे। हमारे कृष्णा देवी सिस्टर को बार बार शैतान परेशान करते थे, उन्हें पोसेस करते थे, उनको जमीन में पटकता थे, उनको लोगों के सामने एक एक मजाक बनाता था, लेकिन यीशु मसीह का रक्त का स्प्रिंगलिंग उनके ऊपर होने के बाद उन्हें पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह पवित्र ठहराने के बाद अंधकार शक्ति उसे छू नहीं पा रहा है। आज रात आपके चुनाव बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि आपके चुनाव के कंफर्मेशन प्रभु यीशु मसीह की स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड के द्वारा होता है, और आपके जो भी कुष्ठ है, जो भी पाप है, जो जिसके द्वारा आप प्रभु के वायदों से बाहर ठहराया गया है, आपको शहर से बाहर कर दिया गया है, शैतान के उस अवकाश क्लेम से बचने का एक ही मार्ग है कि आप प्रभु के द्वारा जो चुनाव है उसे स्वीकार करें। उसे स्वीकार करने पर प्रभु यीशु मसीह के रक्त आपके ऊपर छिटकाया जाएगा, स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड आपके ऊपर होंगे और वो आपको पवित्र ठहराएगा। कोई अब अपवित्र चीज आपके ऊपर क्लेम नहीं रख पाएंगे। दूसरा स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड पढ़िएगा एक्सोडस के 29 चैप्टर वर्स 21।
Exodus chapter 29 verse 21. फिर वेदी पर के लहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उनके वस्त्रों पर भी छिड़क देना, तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। एक्सोडस की किताब 29 वर्स 20 से 21 तक पढ़िएगा। यहाँ पे पुरोहितों को उनके मिनिस्ट्री के लिए रक्त चिटका कर अभिषेक किया जाता था, कंफर्म किया जाता था, उन्हें उसके लिए, उस शुश्रूषा के लिए, उस मिनिस्ट्री के लिए पवित्र ठहराया जाता था। यीशु मसीह के रक्त आपके ऊपर इसलिए स्प्रिंकल किया जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के शुश्रूषा में, उनके मिनिस्ट्री में एक पुरोहित का रोल पा पाए, जिस घर में रक्त की निशानी थे वहां पे शैतान घुस नहीं पाया, वहां पे पायलटों को नहीं मार पाया। आप प्रभु यीशु मसीह के मिनिस्टर है, पुरोहित है, तो आपके घर, आपके बच्चों को शैतान कभी छू नहीं पाएगा। पुरोहितों को, उनके बच्चों को रक्त के स्प्रिंकलिंग के द्वारा प्रभु के मिनिस्ट्री के लिए उन्हें पवित्र ठहराया जाता था। आज रात आपके चुनाव बहुत ही वैल्यूएबल है। आप पुरोहित होने के लिए चुना गया है। आपके बच्चों को उस मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ने पवित्र ठहराया है। हम सब पुरोहित लोग हैं। यीशु मसीह के रक्त के द्वारा पवित्र किया वाला हर प्रियजन हम पुरोहित लोग हैं। हम और हमारे बच्चे पवित्र हैं, और हम और हमारे घर, हमारे बच्चे कभी भी शैतान उन्हें छू नहीं पाएंगे। इन दिनों में एक पुरोहित है समझकर अपने बच्चों को, अपने परिवार को प्रभु के हाथ में समर्पित करके बोलिएगा, प्रभु जी हमारा नहीं, प्रभु यीशु मसीह के रक्त के छिड़काव इनके ऊपर है, इनके ऊपर कभी भी शैतानी रास्ते, शैतानी तरीके हावी नहीं हो पाएंगे। इन्हें पवित्र ठहराया गया है ताकि वो प्रभु का पुरोहित रहे। आखिरी चीज में बोलकर यहाँ क्लोज करना चाहूंगा, तीसरा चीज पढ़िएगा, एक्सोडस चैप्टर, आप घर में पढ़िएगा एक्सोडस 24:1-8 पढ़िएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब प्रभु प्रॉमिस करता है तो प्रभु के लिए, जरा पढ़िएगा लिंडा। फिर उसने मूसा से कहा, तू हारून, नादाब, अबीहू और इसराइलियों के 70 पुरनियों समेत यहोवा के पास ऊपर आकर दूर से दंडवत करना, और केवल मूसा यहोवा के समीप आए, परंतु वे समीप ना आए और दूसरे लोग उसके संग ऊपर ना आए। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुनाए दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए, और विहान को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इसराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इसराइली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए, और मूसा ने आधा लहू तो लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। आधा कटोरा में रखा और आधा रक्त वेदी पर छिड़क दिया। हम तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों ने लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लोगों को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। अब वचन सुना,
आधा रक्त वेदी पर छिड़का, जो ये बताता है कि प्रभु ने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करेगा, और आधा रक्त जन के ऊपर, लोगों के ऊपर छिड़का, और वो इसका साइन है कि हम लोग जो वायदा किया वो प्रभु के साथ पूरा करेगा। प्रियजन, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें इसलिए चुना है कि परमेश्वर के साथ हम एक उडंबड़ी बनाए, और परमेश्वर बोलता है कि जो भी ट्रीटी हम प्रभु के साथ बनाया, प्रभु अपना भाग जरूर पूरा करेगा। आप प्रभु के साथ ट्रीटी में एक साथ साइन करने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, और प्रभु जरूर अपने वायदे आपको आपकी जिंदगी में पूरा करेंगे। आप आज रात समर्पित कीजिएगा कि प्रभु, मैंने तुम्हारे सामने जो इकरार किया, जो मैंने बोला कि मैं प्रभु के लिए पूरा करूंगा, जो मन्नतें मांगी है, उसे जरूर पूरा कीजिएगा। आप पूरा करें या नहीं करें, लेकिन प्रभु हमेशा ट्रस्टवर्थी है। वो कभी भी अपने बात से, अपने जुबान से पीछा नहीं हटता। वो जरूर आपकी जिंदगी में वो वायदे पूरा करेंगे। आंखें बंद कीजिएगा। आज रात मैंने आपको प्रभु के चुनाव के बारे में बोला, ये एक छोटा चीज नहीं है। इस चुनाव के पीछे पिता की फोर नॉलेज, भविष्य ज्ञान है। आपको जहां पे भी प्रभु ने प्लेस किया है, वहां में, वहां पे प्रभु ने आपको चुनकर प्लेस किया है ताकि प्रभु के हित आपके द्वारा पूरा हो। आप प्रार्थना करेंगे, आप हाथ उठाएंगे, आप क्लेम करेंगे, तो जरूर प्रभु अपना वायदा जो आपसे किया है आपके द्वारा उन लोगों के लिए पूरा करेंगे। प्रभु के रक्त आपके जिंदगी में तीन चीजों में छुटका गया है। एक चीज, आपको प्रभु ने अपने पापों के कुष्ठ से छुटकारा देकर पवित्र ठहराया। दूसरा चीज, कलाम बताता है कि आपको राजकीय पुरोहित ठहराने की कंफर्मेशन प्रभु अपने रक्त छिड़क कर किया है। आपको और आपके बच्चों के ऊपर शैतान की कोई भी हथियार अप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि आप और आपके बच्चे राज्य की पुरोहित है, प्रभु की सेवा के लिए ठहराया, पवित्र ठहराया गया। तीसरा चीज, प्रभु यीशु मसीह का स्प्रिंकलिंग ऑफ ब्लड प्रभु की वायदे की कंफर्मेशन है। जरूर प्रभु अपने वायदे को आपके जिंदगी में पूरा करेगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, पवित्र आत्मा के द्वारा आप सैंक्टिफाई किया गया है। आप वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। आप प्रभु के लिए प्रेशियस है। आप प्रभु के लिए सबसे ज्यादा प्यारा है। आज रात प्रभु की चुनाव को स्वीकार कीजिएगा। अगर आप प्रभु के चुनाव को स्वीकार किया व्यक्ति है, तो आज रात उसके इम्पोर्टेंस को समझिएगा। आप अपने महत्व को समझिएगा, और इन दिनों में दुखित होकर पीछे नहीं हटिएगा, बल्कि प्रभु के चुनाव मेरे ऊपर है, प्रभु की पवित्र रक्त का छिड़काव मेरे ऊपर है, पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सैंक्टिफाइड है, मैं अगर घुटना टेकू, मैं अगर विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्लेम करूं, तो सूरज उस जगह में रुक जाएगा, चंद्रमा उस जगह में रुक जाएगा, अगर मैं कहूं तो पानी वहीं ठहर जाएगा। ऐसे अथॉरिटी हमें प्रभु के नाम से दिया गया है। हम चुना हुआ जन है, और इस चुनाव एक बहुत बड़ा